पुढच्या वीक मध्ये नाही येणार, त्यांना काहीतरी वायू व्हायची ट्रेनिंग. ओके, तो यस्टरडे वी हैव सीन दैट कि डॉलर स्कोप हम लोग ना जो लगाते हैं ना, उसको मैंने दो अलग तरीके बताए थे कल, जिसमें ना करता क्या है वो इनसाइड डॉलर स्कोप में. तो मैंने बताया था कि डॉलर इंजेक्टर करके ना आपका बनाता है वो फंक्शन नेम में डॉलर इंजेक्टर, याद है? ये मैंने एक वेरिएबल बताया था, यहाँ पे तो ऐसे नहीं मिलेगा. तो वो उसको डॉलर इंजेक्टर बनाता कैसे है ना, तो वो अगर आपको समझना है ना, तो इसके लिए करो डॉलर इंजेक्टर, इंजेक्टर फंक्शन को कॉल करो. तो इंजेक्टर फंक्शन में आपको तीन ये मेन डेटा दिख रहा है उसका, गेट इंस्टेंस इनवोक. ओके, तो इंटरनली वो हमेशा डॉट एनोटेट, ए डबल एन ओ टी ए टी ई, एनोटेट काम नाम का एक फंक्शन होता है जो आपको क्या करता है, उसके अंदर पूरा लॉजिक लिखा है फंक्शन. अभी जैसे मैं इसको ए बी सी, अपन ने ऐसे पैरामीटर पास करते हैं ना, तो वो इसको इंजेक्टर में कन्वर्ट करके दे देता है. यही मैं लिखता हूँ ना इंजेक्टर को, तो ये एनोटेट करके एक फंक्शन होता है जो उसको इस एरे में कन्वर्ट कर देता है. और जब हम लोग लिखते हैं वो, हम लोग डायरेक्टली ए बी सी इस वाले इसको लिखते हैं, हम बोलते हैं कि यू शुड नॉट कॉल द एनोटेट, आई विल प्रोवाइड यू दिस. एक्चुअली इंटरनली वो इसको इस तरह कैसे लिखता है, तो ये वाला फंक्शन याद रखना, इंजेक्टर डॉट एनोटेट. ओके, कल मैंने पूरा हम लोग यही चीज समझ रहे थे कि एंगुलर जेस में ना कैसे इंटरनली वो इंजेक्टर को इंजेक्ट करता है, उसका कंसेप्ट बताया था. तो पहले तो वो उसको एरे में तोड़ता है, एरे में तोड़ के उसका ये एरे बनाता है जो मैं उसको स्पेसिफिकली मैं असाइन कर देता हूँ, तो इट विल नॉट यूज दिस फंक्शन, इट विल ऑलवेज यूज माई फंक्शन, माई एरे. ठीक है ना, अगर मैंने स्पेसिफिकली डिफाइन किया तो. और अपन लोग इसको क्या करते हैं कि अपन लोग है ना, जब लिखते हैं तो अपन लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हो ना तुम डॉलर इसको. सपोज ये कंट्रोलर होता, कंट्रोलर में अपन फंक्शन जो बनाया था डॉलर स्कोप, ओके, फिर डॉलर एचटीटीपी, ओके, और डॉलर राउट स्कोप एससीओपी, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हो उसको, वो ऐसे लिख देता है, राइट. ये और ये मैंने अपन इंजेक्टर बाहर से लगाते हैं, तो दिस इज माय वे टू राइट, दिस इज माय वे टू राइट दिस. ओके, तो ये अपने को है ना हमेशा याद रखना. तो ये भी है ना, अगर आपको है ना थोड़ा सा इंटरनली लाइक यू आर द सीनियर, तो इनके लेवल पे अगर आप है ना ये थोड़ी सी डिटेल के कोई अगर आ जाए आपके पास, तो उसको पता ना एनोटेट फंक्शन होता है. फिर एनोटेट फंक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ, इसका दूसरा, इसका अपोजिट होता है इन्वोक फंक्शन. पहले वो एनोटेट करता है और उसके बाद उसको वो इन्वोक करता है. इन्वोक फंक्शन क्या होता है, ये जो मैंने एरे बनाया है वो मैं ऐसे पास कर सकता हूँ. मेरा जे ये एरे था ना, सपोज पेन ड्राइव एक सेकेंड, सपोज मेरे को यहाँ पे लिखना है न्यू ओबीजे ऑब्जेक्ट, ओके, और न्यू ऑब्जेक्ट में मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, या मैं सीधे सीधे ऑब्जेक्ट ही लिख दूं यहाँ पे, ओके, क्या लिखूं मैं, आईडी कॉलन कॉमा एफएनसी फंक्शन, ओके, ए लिखूं और ए alert alert a dot id a dot id. okay, so let's see क्या होता है, क्या problem दे रहा है वो, dot object dot in, एक second, injector को अगर हम देखेंगे ना, इसको one second, इसमें क्या होता है, एक annotate होता है और दूसरे function का नाम अपन ने properly spell लिखा है ना, in instance, ठीक है. ये हम लोग है ना एक काम करेंगे, इसका भी मैं एग्जांपल बना के रखूंगा ना, आई विल शो यू. आज हम लोग है ना एक नया चीज सीखने वाले हैं, हा इशू नहीं, मैं दाखवतो तुम्हाला की काल जे तुमच्या मध्ये एक कन्फ्युजन होत होतं ना, की काय होतं तुमचं ऍक्च्युली. हा हे पहा, एक है ना अँगुलर जेस है ना, जेव्हा पण आपण
कंस्ट्रक्टर बनवतो कंट्रोलर त्याच्यानंतर आपण इंजेक्टर यूज करत होतो तो आपण एरे यूज करत होतो तर त्याला इनवोक मध्ये तो आहे ना त्याला असं स्पेसिफिक तोडून देतो म्हणजे आपण डायरेक्टली हा एरे असाइन करत होतो इंजेक्टर मध्ये हेच सांगायचं की हाऊ इंटरनली स्प्लिट द फंक्शन पॅरामीटर जे पॅरामीटर होते ना एबीसी ते कसं तोडतो त्याचा करता तुमचं एक फंक्शन आहे वी हॅव द फंक्शन लाईक एनोटेट आपण ऐसा लिखते हैं डॉलर इसको और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ डॉलर इंजेक्टर में मैं ये वाली वैल्यू ऐसे इंजेक्ट कर देता हूँ तो ये इन वो एनोटेट फंक्शन है जिसके कारण वो इंटरनली करता है इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइड द डॉलर इंजेक्टर सो इट्स बेटर टू स्पेसिफाई द डॉलर इंजेक्टर बिफोर कॉल ऑफ द कंट्रोलर ओके आज हम लोग है ना नई चीज सीखने वाले हैं विच इज द फिल्टर सर्विस को आप बनाओ अभी है ना इसमें क्या होता है ना दो चीजें हमको है ना एक और मैं ना यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन यहाँ पे बनाता हूँ विंडोज आर एम एस पेंट ओके तो अगर आप पूरा आर्किटेक्चर देखोगे ना पूरा जो एंगुलर का आर्किटेक्चर है वो हमेशा इस तरीके से रहना चाहिए मेरे सॉरी कंट्रोल जेड मेरे बॉक्स हैं ओके एक बॉक्स दो बॉक्स तीन बॉक्स और ये तीनों बॉक्स क्या रहने चाहिए मेरे डायरेक्टिव्स डायरेक्टिव्स मेरा जितना भी छोटे से छोटा पार्ट है ना ये सारा मेरा डायरेक्टिव रहना चाहिए डायरेक्टिव विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ओके डायरेक्टिव्स किसके पार्ट रहेंगे मेरे कंपोनेंट के कंपोनेंट ओके और कंपोनेंट किसका पार्ट रहेगा मेरा ऐप का और एक ऐप में मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं एक कंपोनेंट में मेरे मल्टीपल डायरेक्टिव्स हो सकते हैं डायरेक्टिव्स आर द शील्ड ओके और ये ऐप है जी ये अंदर वाले जो डायरेक्टिव है हाँ वो दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं कहीं पे भी यूज कर सकते हैं टाइटली कपल्ड नहीं टाइटली कपल्ड कुछ भी नहीं रखते किधर भी यूज कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे ना पैरेललली चीजें चलती हैं जो यहाँ पे पैरेललली चीजें चलती हैं जिसको बोलते हैं सर्विस और फैक्ट्री इसके अलावा यहाँ पे रहेगा मेरा पैरेललली सर्विस ओके और क्या रहेगा मेरा एक और रहेगा फैक्ट्री ठीक है ना अब मैंने ना अभी तक मेनली क्या सीखा है मैंने डायरेक्टिव्स को हमने अभी देखा है ठीक है ना अभी है ना हाँ ठीक है ना अभी हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि ना अभी तक हमने क्या देखा मैं HTML को तोड़ रहा हूँ HTML के ऊपर अगर मैं प्ले कर रहा हूँ ना तो मैं डायरेक्टिव बना रहा हूँ ठीक है ना अभी है ना एंगुलर जेस क्या बोलता है कि अगर आपको कभी भी अगर आपको डेटा पे प्ले करना है तो क्या करोगे अभी डेटा को प्ले करने के लिए आप है ना मल्टीपल चीजें कर सकते हैं जैसे मैं आपको बोलता हूँ आपका है ना सर्विस का डेटा कैसा भी आया आपको हमेशा अपर केस में दिखाना है मैं अपने रनिंग प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेरा कुछ भी आया यहाँ पे डेटा सर्विस का ये हमेशा अपर केस में आना चाहिए व्हाट यू विल डू अभी तेरे को पता है व्हाट यू विल डू आई ऐड फिल्टर एंड अप्लाई ट्रिम ट्रिम सब ट्रिम फंक्शन से कभी अपर केस होगा क्या आई सी दिस इन सर मैंने एक फिल्टर बनाया था ऑफिस में अंडरस्कोर एम्प्लॉय करके एपीआई से आ रहा था तो अंडरस्कोर उड़ा दिया रेगुलर हां तो ऐसा रटो मत अभी है ना अभी अगर मेरे को इसको अपर केस करना है तो मेरे को अपर लगाना अपर केस का एक फिल्टर बना जावास्क्रिप्ट मध्ये आपल्याला ना टू अपर करावे लागेल स्ट्रिंग को मेरे को अपर करना है तो टू अपर केस करके ना फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का ओके तो ये सारी चीजें जो होते हैं तुझे रिवीजन तो बस कर दिए रे नहीं नहीं
ठीक है ना। आता आपल्याला आता है ना हे करायचे, आता आपल्याला आज बनवायचे फिल्टर्स विच विल मेक दिस एज ए क्या कहते हैं इसको अपर केस में बनाएगा। ये जो ये मेरा है ना, ये जो अभी मेरा ये आ रहा है ना, इसको मैं अपर केस में बना सकता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, तुमको जो भी डेटा के साथ खेलना है, अगर किसी ने आपको बोला कि ना ये टी शर्ट में ना जो टी के बाद डैश आ रहा है अगर, तो उसको रिप्लेस कर दो। ये सारे कोड आप है ना कभी भी ना कंट्रोलर में लिखोगे ना डायरेक्टिव में लिखोगे, ये सारे कहाँ लिखोगे? फिल्टर में। तो इसके लिए डेटा को अगर आपको कुछ ऐसा करना, अगर मान लो वहां से वन आ रहा है और आपको यस लिखना है, तभी आपका ग्रिड है, ग्रिड में कहीं वन आ रहा है सर्वर से और उसको आपको 10 आपका बिट फॉर्मेट में आ रहा है, 1 है तो ट्रू है, 0 है तो फॉल्स है, तो आपको 1 की जगह यस दिखाना है। तो आप क्या करोगे, क्या यूज करोगे एंगुलर जेस में? फिल्टर। ओके, ये मेन नेम, अगर मेरा कहीं नाम आ रहा है और उसके आगे आपको स्पेसिफिक मिस्टर या मिसेज लगाना है, तो आप क्या लगाओगे? यूज करोगे फिल्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन की होता है फिल्टर्स का। तो फिल्टर बनाने का है कि ना स्पेसिफिक सिंटेक्स इज द एवरीवेयर इज द सेम। तो आज मैं आपका पहला फिल्टर बना रहा हूँ अपर केस का। यस, वॉइस रिकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अभी अपन बोलते हैं अपर केस डॉट फिल्टर डॉट जेस। ओके, हाँ लेकिन पता है क्या होता है ना कि ना अगर तू अलग अलग फाइल में बनाएगा तो उसका प्रॉफिट ये रहता है कि ना मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है। तेरे को पता है कि अगर किसी बंदे ने एक ही फाइल, अभी तुम लोग है ना, अभी यहाँ पे जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो उस ट्रेनिंग में क्या हो रहा है ना कि ना एक ही बंदा काम कर रहा है। यही चीज अगर 10 बंदे काम कर रहे होते और सपोज तेरे सारे फिल्टर एक ही फाइल में होते और तुम SVN या फिर TFS से कनेक्ट होते, कनेक्ट रहते हो कि नहीं, GitHub वगैरह से कनेक्ट रहते, कोई एक बंदा चेकआउट करता मेरा फिल्टर की फाइल को और उसको तो चेंज करना है, उसने चेंज किया अपर केस फिल्टर में और इसको ने चेंज किया लोअर केस फिल्टर में। जब आपका सबमिट किया, पहले तुमने चेक इन कर दिया, बाद में ये चेक इन करने गया, तो तेरे तो चेंजेस ओवरराइट हो गए। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा है ना कॉन्फ्लिक्ट, तेरे को मेहनत नहीं पड़ेगी कि तेरे क्या चेंजेस थे उसको मर्ज करो, मर्ज करने के लिए इससे अच्छा छोटी छोटी फाइल्स बनाओ और बाद में उसको ना ये अपन जैसे तो गल्प वगैरह यूज करते उससे मर्ज करके एक कर दो। यही आपका मेन रीजन है कि हम लोग मेंटेनेबिलिटी के लिए ना छोटी छोटी फाइल बनाते हैं। एंगुलर सबके लिए अलग अलग मेंटेनेबिलिटी इजी हो जाती है। अगर आप देखो एंगुलर जेस में ना 100 फाइल्स हैं, क्यों वो एक ही फाइल में थे सब कुछ लिख सकते थे, सोर्स कोड देखो तो उसमें 100 क्या 200 फाइल्स होंगी, तो है ना उन्होंने अलग अलग फाइल क्यों बनाई मेंटेनेबिलिटी के लिए। मैं बाद में वो मर्ज करके एक फाइल एंगुलर जेस डॉट मेन देते हैं, लेकिन बनाते टाइम अलग अलग ही लिखते हैं ना वो लोग। रीजन सिर्फ यही है कि आपको मेंटेनेबिलिटी रहती है, तो हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो कर, या तो ऐसे तो मैं सारे कंट्रोलर भी एक ही फाइल में लिख दूँ, कोई बड़ी बात तो भी है, सारे कंट्रोलर का कोड में एक ही फाइल में लिख सकता था, सारे डायरेक्टिव का कोड में एक ही फाइल में लिख सकता था, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, कभी भी याद रखना है इस बात को। ओके, अभी मैं आपको बता रहा हूँ फिल्टर बनाने का भी सेम सिंटेक्स इज द सेम। आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मैंने डायरेक्टिव बनाए थे ना उसमें जेस में जाना और इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हाँ आए नहीं, ठीक है आ जाओ जल्दी। वॉशरूम हो क्या रहा है, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि मैंने ऐप डॉट फिल्टर, जैसे डायरेक्टिव होता है वैसे ही फिल्टर होता है, इसको भी हमको एक नाम देना पड़ता है, तो मैं नाम देता हूँ सपोज माय अपर, ठीक है ना, अपर इज ऑलरेडी देयर, ये नाम मैं
हां सेगमेंट स्टॉप करके उसको फिल्टर के लिए अलग वीडियो बनाते हैं। मेरे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ये या ये हर वर्ड में